नमस्कार दोस्तों, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमपी में आप एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर एसओएस एडमिशन 2022-23 थ्रू सीयूईटी 2022। तो आपने जो इंट्रेंस दिया था कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यूजी 2022 के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एसओएस स्टैंड फॉर स्कूल ऑफ स्टडीज़, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो कॉलेज सब्जेक्ट या कोर्सेज होते हैं वो एसओएस के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आपको विज़िट करना होगा zivaji.mponline.gov.in/portal/services/ugu/zivaji/utd application form, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है और सेलेक्ट कोर्सेज ऑन प्रायोरिटी बेस एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज, तो एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपके पास टोटल 5 प्रेफरेंसेज हैं, तो मेक श्योर कि जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, जो आपका मेन है, जिस कोर्स को आप करना चाह रहे हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रखेंगे आप, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स डिटेल्स, तो आपके जो जनरल डिटेल्स हैं वो इस पे हैं, तो फुल नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका आईडी प्रूफ का नंबर हो गया, नेशनलिटी हो गया, वेदर डोमेसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या सेनो के, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी है जो भी आपका है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप जो भी है, डू हैव एनी एटिकेटी पेंडिंग ऑन फिफ्थ सेमेस्टर, या आपके एप्लीकेबल नहीं होगा या नो ही है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस होता है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके दोनों हैं तो फर्स्ट फिलअप करिएगा और ये टिक करिएगा सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, तो वही जो है कॉपी हो जाएगा परमानेंट एड्रेस पर भी। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स में, आपके पास अगर कोई भी NSS, NCC या किसी भी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ या किसी और तरह का सर्टिफिकेट वगैरह था, या उसके अनुसार से आप इस पर मेंशन कर सकते हैं और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट सब कैटेगरी है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स में है, तो जो भी आपने क्वालिफाइंग किया हुआ है, ठीक है, 12th में, या जो भी आपका बायो करा हो, मैथ करा हो, उस तरह से आप मेंशन करके फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। गार्जियन के बारे में भी आपको डिटेल्स देनी है, क्या कैसा है, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। अब अटैचमेंट में आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अटैचमेंट में नोट अटैचमेंट शुड बी इन .gpeg फॉर्मेट एंड साइज इज लेस देन 200 KB, और इसमें है 12th मार्कशीट चूज द फाइल एंड देन CUET स्कोर कार्ड चूज द फाइल, मतलब आपको दो चीज़ें अपलोड करनी है। पहला तो 12th का आपका मार्कशीट, ठीक है, देन आपका CUET स्कोर कार्ड जो था उसको भी आपका यहाँ पर जो है फोटो जो उसका आपके पास प्रिंट आउट होगा उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोनों दो चीज़ें ही आपको अपलोड करनी है, 12th मार्कशीट एंड CUET स्कोर कार्ड, ठीक है, वो अपलोड करना है आपको यहाँ पर, मेक श्योर। और उसके बाद आते हैं फोटो विथ सिग्नेचर पर, ठीक है, और यहाँ पर द प्रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोर्स है ना, एडमिशन गिवन बाय कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फाइनल, एडमिशन विल बी गिवन ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस, ठीक है, तो मेरिट बेस पे मिलेगा वो तो है। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तो फ़ोटो विथ सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा इंटर करेंगे जो भी आएगा प्लस करके, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा, पेमेंट करिए और उसके बाद इसका प्रिंट आउट भी लीजिएगा और उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और मेक श्योर कि जब इसका प्रिंट आउट आप लें और उसके बाद अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या तो कोशिश करें लैपटॉप से,
नहीं तो नज़दीकी जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क होते हैं वहाँ पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए फ़ोटो अपलोड करने या अन्य किसी प्रोसेस में। तो इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।